नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं अपने वन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और जब सीजन चेंज होता है तो हमें अपना गार्डन का सेटअप भी चेंज करना होता है, क्योंकि धूप और छाया के हिसाब से सारे प्लांट रखने होते हैं और बहुत सारे काम हो जाते हैं गार्डन में। अभी तो बहुत सारे काम हैं, सारे ही प्लांट के रिपोर्टिंग करनी है और बहुत सारे, मतलब रोज़ करिए तो भी अभी बहुत सारे काम हैं। और गार्डनिंग का काम ऐसा है कि निरंतर करते रहिए तो भी ख़त्म नहीं होता है। तो हर साल की भांति इस साल भी हमारे मंटू भाई आ गए हैं, जो कि ये एक हम लोग मिक्सचर बनाते हैं जो कि सालों भर हमारे प्लांट में इसको डालते रहते हैं। तो आइए बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। और सब चीज़ हमारे घर का ही है, बस हमने पुराने गोबर की खाद बाहर से मंगाया है, बाकी सब कुछ हमारे घर में फ्री का सारे चीज़ें हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं। तो जब ना तब मैं मंटू भाई को बुला लेती हूँ और इनका हेल्प ले लेती हूँ और ये सहर्ष तैयार हो जाते हैं और आके मेरा हेल्प कर देते हैं। अगर कोई बड़े गमले को इधर उधर करना हो या मिट्टी का कोई काम हो तो ये भाई आके मेरा हेल्प कर देते हैं। तो आज ये आए हुए हैं और सारे चीज़ को मिक्स करके एक बोरे में भर देंगे, जिससे कि मैं जब तक अपने प्लांट को डालती रहूँगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये पुराने गोबर की खाद, जो कि बहुत ही अच्छा होता है हमारे प्लांट के लिए। जब भी पुराने गोबर की खाद लाइए तो कम से कम 6 महीना साल भर पुराना हो, और उसकी अच्छे से सफाई करके धूप में सुखा लीजिए कम से कम 2 दिन, तब अपने प्लांट में डालिए, जिससे कि कोई फंगस लगने का डर नहीं होगा। और ये है नीम की पत्ती, ये देखिए। मैंने आप लोग को एक बार दिखाया था कि मेरे यहाँ नीम का बहुत बड़ा पेड़ है, तो उसमें बहुत सारी पत्तियाँ गिर गिर के झड़झड़ के गिरती रहती हैं, तो मैं उन्हें इकट्ठा करके सालों भर अपने प्लांट में डालती रहती हूँ, जो कि एक बहुत ही कीटनाशक और आर्गेनिक बहुत ही बढ़िया हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से मैं नीम की पत्ती हमेशा यूज करती रहती हूँ अपने प्लांट में। और ये किचन कंपोस्ट, जो कि सर्दियों में बहुत सारे पालक और मटर के छिलके और तमाम सब्जियों के छिलके का मैंने बहुत सारा किचन कंपोस्ट बना लिया है, तो ये भी इसमें मिक्स होगा। और ये टी कंपोस्ट है, जो कि चाय पत्ती, जो चाय हम बनाते हैं और वेस्ट चाय पत्ती जो होती है उसको मैं एक जगह इकट्ठा करके रख देती हूँ और फिर उसको 1-2 दिन धूप में सुखा के इसका यूज कर लेती हूँ। तो मंटू भाई अभी सारे मिक्स कर रहे हैं, ये चारों चीज़ को मिक्स कर देंगे और ये इतना अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है कि इसके आगे जो भी है, जितने केमिकल है, जितने फर्टिलाइज़र मिलते हैं वो सब फेल है। और इसमें सब कुछ है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, यानी एनपीके का पूरा ही मात्रा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आयरन है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये जो चार चीज़ हमने मिलाया है, पुराने गोबर की खाद और सूखी पत्तियाँ और किचन कंपोस्ट और टी कंपोस्ट, ये चारों मिलके बहुत ही अच्छा खाद तैयार हो जाता है। तो मंटू भाई सब मिला रहे हैं, सारे मिक्स कर देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा खाद तैयार हो जाएगा। आप ये हर साल करते हैं ना भैया ये काम? हाँ, हर साल कर देते हैं। और कितने दिनों तक ये मेरा खाद चलता रहता है? चलता रहे। और जीनी के बगैर कोई काम हो जाए ये हो ही नहीं सकता है। जीनी हर काम में आगे आगे रहती है। तो सारी चीज़ों को इन्होंने मिक्स कर दिया है बहुत अच्छे से और ये हमारा बहुत ही अच्छा खाद बनके तैयार हो गया है। तो मैं अब सारे ही अपने गमले में डाल दूँगी और इसके डालने के बाद अब मुझे कुछ भी अपने पौधों में फ़िलहाल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम 2 से 3 महीने। और हर साल मैं ऐसा एक मिक्सर तैयार करके और अपने सारे ही पौधों में डाल देती हूँ और सारे एकदम फ्री के और बहुत ही बढ़िया हमारा ये खाद तैयार हो जाता है। इस तरीके से मेरा बहुत ही अच्छा खाद तैयार हो गया है और इसे मैं बोरी में भर के रख देती हूँ और जब तक अपने पौधे पर यूज करती रहती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है इसके डालने के बाद। तो आप सभी भी ऐसा कर सकते हैं, सूखी पत्तियाँ और चाय की पत्ती और
किचन कंपोस्ट से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो सब, और पुराने गोबर की खाद, ये चारों को मिला के खूब अच्छे से अपना खाद तैयार कर लीजिए और सारे ही पौधों में आप इसे डाल सकते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा। तो ये बहुत बढ़िया होता है। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मंटू भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद।